Everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So let's start, my dear students. Today I will start chapter 4th class 10th, what is wrong with Indian film. What is wrong with Indian film is an essay and what is wrong with Indian films has been written by Satyajit Ray, a big film director and well-known film director. You know, Mumbai is known for cinema. So this chapter belongs to movie, okay? Movie, that means जब आप child होंगे, बच्चे होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि film का आप बहुत ही ज़्यादा क्या शौकीन रहे होंगे ना. तो आज उसी chapter से हम लोग पढ़ने वाले हैं, what is wrong with Indian film, जिनके लेखक कौन हैं? सत्यजीत रे. तो आप लोग को पता ही होनी चाहिए कि हम लोग कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, पैनोरमा पार्ट टू. तो आप लोग तेज़ी में क्या कीजिए, बुक को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट ढेर सारे पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट को मैं क्या कर लूँ, आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करवा दूँ आपके बुक में, ठीक. तो आप लोग आज से थोड़ा क्या है, चेंज हो गया. क्या चेंज हो गया, थोड़ा सा पढ़ाई में आज चेंजिंग आएगा. कुछ है जो टॉपिक जो कि आपको क्या करना, बुक में थोड़ा सा पॉइंट कर लेना. अब देखिए, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है कि what is wrong with Indian films. This is an essay. तो पहला ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्या है, तो यह एक क्या है, essay. This is an क्या है, essay. You know, it's very important chapter because present times की हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत बड़ी क्या मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आज की इस चैप्टर हमें बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेगा. हम लोग क्या करते हैं कॉपी करते हैं, जैसे मूवी में जो चीज़ देखें उसका हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे. तो आज के इस चैप्टर में आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, ओके. तो दिस इज एन एसे, ओके. सो नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करें, इनके राइटर, इनके लेखक कौन है. तो व्हाट इज रॉन्ग विथ के लेखक हैं हमारे कौन, सत्यजीत रे. क्या है, सत्यजीत रे, ठीक. कौन है, सत्यजीत रे हैं. अब इनकी यदि हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 मई 1921, यानी 1921 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1921 में. अब एक सवाल उठता है, सर ये मर कब गया था, तो आपको दिमाग में नहीं रखना, उस चीज़ को याद रखिएगा. आइंस्टीन कहते थे, वो हर एक नंबर क्या करते थे, लिख के रखते थे डायरी में, है ना. और उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो आप नंबर लिख के क्यों रख रहे हैं, है ना, आपको तो सारा दिमाग में होना चाहिए. तो बोले कि देखिए, वो बात सही है, हम इसको रख सकते हैं याद, लेकिन वैसे चीज़ को हमको दिमाग में क्यों याद रखना है जिसका कोई यूज ही नहीं है, है ना. क्या ज़रूरी अपने स्टोरेज को भरना, तो ज़रूरी नहीं है हमको स्टोरेज भरना, इसलिए क्योंकि पूछेगा तो सिर्फ उनके जन्म के ही बारे में पूछेगा. तो कब इनका जन्म हुआ था, 2 मई 1921 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ओके. सो नेक्स्ट आगे हम बढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो इन्हें ढेर सारे अवार्ड मिले थे. ही वॉज अ वेल फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडियन. यहाँ पे ये एक पॉइंट बनेगा, आप लोग यहाँ से पॉइंट मार लीजिए. सत्यजीत रे बॉर्न ऑन, है ना, May 2, 1921, वॉज अ वेल नन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया. ही अर्नेड, उसने कमाया था. ही अर्नेड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन. मतलब वह अपने टैलेंट से, अपने प्रतिभा से वो ढेर सारे चीज़ को क्या किए थे, कमाए थे. किस में, फिल्म मेकिंग में, है ना, उन सब चीज़ के बारे में. और उसे जाना जाता है, बेस्ट नोन, है ना, उसे जाना जाता है फॉर हिज फाथर पंसाली, अपारजता, चारुलता एंड शतरंज की खिलाड़ी. ही वॉन इन सब के बारे में, दैट मीन्स ये जितने भी हम बुक के बारे में बात किए हैं उन सब में आप क्या कीजिएगा, टिक मार लीजिएगा. कौन कौन में, फाथर पंसाली, अपारजतो, चारुलता एंड शतरंज की खिलाड़ी. क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, शतरंज की खिलाड़ी के लेखक कौन है, तो भाई कौन है, सत्यजीत रे हैं, है ना. आगे ही वॉन, उसने जीता है, उसने कमाया है अवार्ड्स, है ना, बहुत सारा अवार्ड्स कमाया है. एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस एंड कैंस एंड बर्लिन, मतलब इन जगहों पर इसने ढेर सारे क्या अवार्ड को जीते हैं फिल्म में. उसके बाद कहते हैं ही ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, इसके अलावे वो एक क्या थे, स्टोरी राइटर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे एंड बुक डिजाइनर, मतलब बुक के डिजाइनर भी करते थे. इसके अलावा उसे जो है ऑक्सफोर्ड, है ना, यूनिवर्सिटी से आगे मिलेगा
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसे क्या मिला है, डॉक्टरेट की उपाधि भी मिला है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना कन्फेयर्ड ऑन हिम एंड ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। मतलब उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी मिला है, जो कि बहुत सारे लोगों को ये प्राप्त सम्मान नहीं होता है जो उन्हें प्राप्त हुआ है। इन द प्रेजेंट ऐसे, ये जो हम लोग प्रेजेंट ऐसे हैं पढ़ने वाले हैं ना, टेकन फ्रॉम हिज बुक, उसी के बुक से लिया गया है। उस बुक का नाम है आवर फिल्म्स, क्या है, आवर फिल्म्स है ना, आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, मतलब हमारा फिल्म्स और उन लोगों का फिल्म्स, उन्हीं के बुक से लिया गया है। यहाँ पे दिया गया है ना, फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, है ना, उन्हीं के बुक से लिया गया है। उसके बाद बोलते हैं कि इस चैप्टर में वो बोल रहे हैं कि ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स, ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म्स मेकिंग डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। कहने का मतलब समझने का आप लोग क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। क्या प्रयास, कि मतलब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे फिल्म और उन लोगों के फिल्म, उन लोगों के फिल्म मतलब क्या, दैट मीन्स देखिए दो तरह के मूवी को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, आप लोग समझ लीजिए। एक होता है बॉलीवुड, क्या होता है, बॉलीवुड होता है, और एक क्या होता है, हॉलीवुड। आप लोग को पता होनी चाहिए बॉलीवुड मैंने, दैट मीन्स आप लोग को पता होनी चाहिए कि बॉलीवुड हम किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग हिंदी फिल्म देखते हैं ना। दो तरह की फिल्म होते हैं, एक होते हैं बॉलीवुड, एक क्या होते हैं, बॉलीवुड, ठीक, और एक होते हैं हमारे क्या, हॉलीवुड। क्या होते हैं, एक हमारे HOLL, क्या होगा, एक क्या होते हैं हमारे हॉलीवुड, और एक क्या होते हैं बॉली, क्या होते हैं, एक बॉलीवुड, ठीक, BOLLY, एक क्या होते हैं बॉलीवुड और एक क्या होते हैं हॉलीवुड, ठीक, बॉलीवुड और उसके बाद क्या होते हैं हॉलीवुड, ठीक। तो अब समझने का आप प्रयास कीजिएगा, इसमें यदि हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा हिंदी मूवी आएगा, क्या आएगा, हिंदी मूवी, और इसमें यदि हम बात करें तो इंग्लिश मूवी, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप अमेरिकन फिल्म देखते हैं, मतलब दैट मीन्स फॉरेन फिल्म, क्या होते हैं, फॉरेन फिल्म हॉलीवुड में, और बॉलीवुड में क्या होते हैं हमारे, हिंदी मूवी, ठीक। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है दो मूवी के बीच, कंपेयर किया गया है कि किस मूवी के बीच, याद रखिएगा, दो मूवी हॉलीवुड और बॉलीवुड। कहने का मतलब जो इंडिया के मूवी हैं ना, इंडिया के जो मूवी हैं और जो अदर कंट्री के जो मूवी हैं, उनसे क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, किसके द्वारा, सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे जो है खुद एक क्या है, डायरेक्टर भी हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। वो अपने फिल्म में खुद से क्या करते हैं, म्यूजिक भी डालते हैं। आप लोग को पता होनी चाहिए म्यूजिक कंपोजर उसको बोलते हैं जो फिल्म में म्यूजिक सब वगैरह सब देते हैं, जैसे आप लोग सुनते होंगे म्यूजिक वगैरह सब वो, ठीक। तो सारा चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स मीन्स क्या होता है, कमियाँ, मतलब बॉलीवुड में क्या कमी है और हॉलीवुड में क्या कमी है, उनको बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा पहले मैं बात कर लूँ सिनेमा जगत के बारे में, है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना, इसलिए कि उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाएगा। सबसे पहला चीज़ यदि बात किया जाए कि सिनेमा, यदि हम बात करें, स्टार्ट करते हैं ये सिनेमा के बारे में, कहते हैं कि सिनेमा जो है उस समय के, किस समय के, जिस समय में मतलब वो शुरुआत किए थे, जिस समय वो कम एज के थे, तो बोलते हैं कि सिनेमा जगत का जब शुरुआत हुआ तो वो एक महत्वपूर्ण क्या था, घटना था उस समय का। सिनेमा जगत का घटना क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था, घटना था। इसलिए घटना था कि सिनेमा को ये माना जाता था, मतलब शुरुआती दौर में सिनेमा को मतलब बहुत बेहतरीन चीज़ है ना, अभी भी माना जाता है, लेकिन कुछ कचरा सब एक्टर और एक्ट्रेस आके जो है हमारे कल्चर को क्या कर रही है, ख़राब कर रही है और ख़राब कर रहा है। तो बोला जाता है द सिनेमा, क्या बोला जाता है, द सिनेमा इज, है ना, इज, है ना, वर्सटाइल, है ना, वर्सटाइल आर्ट, क्या बोला जाता है, सिनेमा इज वर्सटाइल आर्ट, है ना, सिनेमा को वर्सटाइल आर्ट बोला जाता है ना, अ वर्सटाइल आर्ट, मतलब कि वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी, क्या होता है, बहुमुखी, बहुमुखी कला, है ना, इसे क्या माना जाता है, बहुमुखी कला। इसलिए माना जाता है कि क्योंकि सिनेमा में ढेर सारा चीज़ होता है, सिनेमा में म्यूजिक होता है, सिनेमा में क्या होता है, म्यूजिक होता है, ड्रामा होता है, मतलब बहुत सारा चीज़ को दिखाया जाता है ना, ड्रामा होता है, म्यूजिक होता है, उसमें एक्शन होता है ना, उसके बाद उसमें क्या नॉलेज भी होता है, नॉलेज भी होता है, क्या होता है, नॉलेज भी होता है, इसके अलावा उसमें साइंस के भी क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब मेजर एंड माइनर, है ना, मेजर एंड, है ना, ढेर सारे चीज़ होते हैं इसमें, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिनेमा जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है, बशर्ते अभी के युग में नहीं, अभी के युग में यदि हम बोला जाए, थोड़ा बुरा लगेगा ये बात,
कि आज के जितने भी फिल्म है यदि उसमें एडल्ट सीन ना आए, छोटे छोटे कपड़े ना हो, तो फिर फिल्म भी नहीं चलेगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि फिल्म बनाने वाले का गलती नहीं, यहाँ देखने वाले का भी क्या है गलती है, क्योंकि हम लोग उसी तरह के फिल्म को पसंद कर रहे हैं। यदि पसंद नहीं कर रहे तो भाई फिल्म चल कैसे रही है? यदि हम लोग नहीं देखते तो कुछ गधा है जो बनाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मतलब दर्शक है इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं फिल्म जगत में। और सबसे एक बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये चीज़ जान लीजिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इन सभी बारे पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक। पहले हम ये सब चीज़ समझ जाएं, है ना। तो सिनेमा क्या है, वर्सटाइल आर्ट है, हम उस पर चलेंगे। अभी जो बात हम बोलने जा रहे थे डिफेक्ट्स के बारे में, तो हम थोड़ा आगे जाके डिफेक्ट्स बताएंगे, किसका, हॉलीवुड का और बॉलीवुड का, दोनों का, पहले समझ लीजिए, ठीक। तो सिनेमा जो है 20वीं यानी लमसम कहने का मतलब कि 19वीं शताब्दी में सिनेमा जगत की जो शुरुआत है, अभी जैसे कौन सी शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी में सिनेमा जगत का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। और 19वीं शताब्दी से जब स्टार्ट हुआ और 20वीं शताब्दी तक आते आते सिनेमा जगत जो है एक बहुत बड़ा बिग बिजनेस बन गया, एक बहुत बड़ा बिजनेस बना, है ना। केमा शताब्दी आते आते 20वीं शताब्दी तक आते आते, यानी 19 में स्टार्ट हुआ और 20वीं शताब्दी तक आते आते एक बहुत ही बड़ा क्या बन गया, बिजनेस बन गया। और यदि देखा जाए कायदे से तो फिल्म जगत की शुरुआत यदि माना जाए तो बहुत ही पहले शुरुआत हो चुका था, कहाँ, इंडिया में हो चुका था। यदि हम बात करें पहले शॉर्ट फिल्म का, ना द शॉर्ट फिल्म है ना, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है ना, द फर्स्ट है ना, द फर्स्ट शॉर्ट, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है ना, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म की शुरुआत कब हुई थी, 1907 में, कब हुई थी, 1907 में पहली शॉर्ट फिल्म, है ना, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो बनी थी वो कब बनी थी, 1907 में बनी थी। अब ये शॉर्ट फिल्म क्या है, आपको पता नहीं होगा, पहले जो फिल्म बनता था ना तो उसमें कोई साउंड होता था और ना ही वो कलर होते थे, है ना, पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट, मतलब काला और सादा दो ही कलर दिखता था, काला और वाइट, दैट मीन्स वाइट, ब्लैक एंड वाइट बनता था। और पहली जो फिल्म शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1907 में हुई थी, और उस समय बनती थी कौन सा फिल्म, शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म जो होते हैं वो 30 मिनट, कितने मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर ही होते हैं, यानी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 30 मिनट से कम ही रहेंगे, इस टाइप के फिल्म बनते थे। फिर कुछ समय बीता तो है ना, तो तब फीचर फिल्म आया, क्या आया, फीचर फिल्म। अब फीचर फिल्म की यदि हम बात करें ना, फीचर फिल्म की बात करें तो इनकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1913 में, कब हुई थी, 1913 में। वैसे भी मतलब आप लोग थोड़ा बहुत जीके जीएस के बारे में जानते होंगे, प्रथम बोलती हुई फिल्म जो थी वो क्या थी, आलम आरा थी। और 1913 में जो फिल्म आया था, राजा हरिश्चंद्र आए थे ना, और वो क्या फिल्म थी, फीचर फिल्म थे ना, वो फिल्म क्या थे, फीचर फिल्म थे। और वो कब आए थे, 1913 में आए थे। आप लोग बचपन में देखे होंगे राजा हरिश्चंद्र का फिल्म आया था, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार निश्चित एग्जाम में आएगा, है ना, निश्चित, मोस्ट VVI, ठीक, मोस्ट VVI, VVI, ठीक, ये निश्चित आएगा। ये वर्मा जी का लकीर है, इनसे एक दो गो में से एक गो निश्चित आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि इस दो गो में से एक गो जरूर आएगा। नहीं आया तब आप कहिएगा, 100% आपके एग्जाम में इस दो में से एक आने वाला, ठीक, लड़ेगा, निश्चित लड़ेगा, मेरा सजेशन लड़ता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है ना। लास्ट में आप लोग को सजेशन भी मैं दूंगा, ठीक, पहले आप पढ़ लीजिए, नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले, इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म कब बनी, 1907 में, और पहली फीचर फिल्म कब बनी, 1913 में। तो यदि देखा जाए तो इंडिया में जो फिल्म की शुरुआत कब हो गई थी, 1907 में ही हो गई थी, ठीक। और मतलब 20वीं शताब्दी तक आते आते, 20वीं शताब्दी मतलब कौन सा दशक रहा होगा, 2000 का दशक, कितने हजार के, क्योंकि 100 साल है ना, 100 साल के बाद यदि हम बात किया जाए, यानी 100 है ना, 100 ईयर्स के बाद, है ना, एक शताब्दी की यदि बात किया जाए, ठीक। तो 20वीं शताब्दी के लमसम जो है आते आते ये जो फिल्म जगत है वो बहुत ही बड़ा क्या, एक बिजनेस बन चुका था। अब स्टार्ट होता है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होता है समझिएगा, ठीक। यदि हमको देखा जाए कि यदि पूरी दुनिया में यदि मात्रा के रूप में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म अभी हो रहा है वो कौन, हॉलीवुड है। क्योंकि हॉलीवुड फर्स्ट है, याद रखिएगा कि फिल्म जगत में यदि सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले कोई फिल्म होती है तो वो कौन होती है, हॉलीवुड होती है, दैट मीन्स विदेशी फिल्म होती है। उसके बाद सेकंड स्थान किनका है, हमारे इंडियन फिल्म का, दैट मीन्स बॉलीवुड का। तो कहने का मतलब कि आखिर क्या ऐसी कमी है, क्या ऐसी कमियाँ हैं जो कि इंडिया का फर्स्ट रैंक नहीं है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारा रीज़न है, अब आप थोड़ा सा, आप नेगेटिव नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा इनको सुनिएगा। देखिए अभी मैं कहूँ कि प्यार मोहब्बत वाली बात, कि बहुत सारे आजकल के बॉयज़ एंड गर्ल पे
ये दिमाग में बुखार चढ़ा हुआ कि प्यार, वाह प्यार एक बहुत अच्छा चीज़ है, एक अच्छा एहसास देता है। हम ये नहीं कहते कि प्यार गलत चीज़ है, प्यार है, हमको हमारी माँ से भी प्यार है, हमको अपने भाई से भी प्यार है, हमको अपने पिताजी से भी प्यार है, तो वो प्यार बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज क्या है, आज के युग में देखिए, आज के युग में क्या है, नेगेटिव नहीं लीजिएगा, और आप लोग अभी टीन एजर्स से बिलोंग करते हैं और आपको सोचनी चाहिए। नॉट लव, लव कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा। अट्रैक्शन को एक क्या दिया गया है, नाम है। अब मान के चलिए ये लड़का है ना, ये लड़का है ठीक, और मान के चलिए ये क्या है, एक लड़की है, ये एक लड़की है और वो क्या है, एक लड़का है ठीक, ये एक लड़की है ठीक, समझ लीजिए ठीक। अब ऑटोमेटिकली है कि ये बॉय किसके प्रति अट्रैक्ट होगा, गर्ल के प्रति, और ये गर्ल किसके प्रति अट्रैक्ट होगा, बॉय के प्रति, और इन्हीं दोनों के बीच के है ना अट्रैक्शन को एक नाम दिया जाता है, क्या, लव। इट्स नॉट ट्रू, ओके, दिस इज नॉट लव, ओनली फॉर, ये क्या है, इट्स ओनली फॉर क्या, अट्रैक्शन, आप इसे नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड लव, इट्स नॉट, इट इज कॉल्ड लव, इट इज कॉल्ड लस्ट, क्या इसको हम बोल सकते हैं, लस्ट्स बोल सकते हैं, दैट मीन्स हवस, दैट मीन्स कहने का मतलब थोड़ा बुरा लग रहा होगा, ये क्या अट्रैक्शन है, इट्स नॉट लव। और ये लव आया कहाँ से, तो ये लव आया है हमारे फिल्म जगत से, किससे आया है, है ना, जिस लव को अभी प्रेजेंट हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने पिताजी से प्यार करते हैं, भाई से प्यार करते हैं, उस लव की बात कर, मैं बात करना, बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट, है ना, माई फैमिलीज लव, है ना, आई एम टेलिंग अबाउट ओनली फॉर दैट टाइम, इस प्रेजेंट टाइम, अभी जो समय जो चल रहा है, बहुत सारे देखते हैं कि एकदम प्यार, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते हैं, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते हैं। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि फिल्म में कोई चीज़ हम देखे हैं ना, जैसे अब मोहब्बतें फिल्म में देखे हैं ना, ऐसे हम जीते एक जन्म हम एक ही बार लेते हैं, हम मरते भी एक ही बार हैं, और हम प्यार भी एक ही बार करते हैं, क्या प्यार हम एक ही बार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गधा वाला बात बोल रहा है ठीक, बहुत बहुत गधा वाला बात। तो कहने का मतलब क्या कि मैं यदि आपसे पूछूं कि यदि ना फिल्म होता है ना और ना ही कोई सीरियल होता है ठीक, तो क्या आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या अभी जो ये जो प्यार मोहब्बत वाला चीज़ जो चल रहा है, क्या आपको नज़र आता यदि फिल्म नहीं होता। हम लोग जाने अनजाने में उसको क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं फिल्म के चीज़ को, और फिल्म के चीज़ में बहुत सारी चीज़ हम लोग क्या गलत अपना रहे हैं। अब देखिए क्या है कि आजकल क्या है कि कोई भी लड़का है ना या लड़की यदि रिलेशन में आता है, क्या आता है, रिलेशन में आता है, तो वो उस रिलेशन का वो मिसयूज ही करता है, क्या करता है, मिसयूज करता है। अभी तो एक और चीज़ आ गया है, गुस्सा आता है, लिविंग रिलेशनशिप, क्या लिविंग रिलेशनशिप, और यहाँ तक क्या सरकार भी उसको क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, बहुत बच्चे हैं, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए कि कभी भी उस तरह का आपके अंदर फीलिंग आए, है ना, प्यार मोहब्बत वाला, खास करके मतलब बॉय एंड गर्ल का, है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं वो गलत है ना, लेकिन ये चीज़ समझिए कि अभी उस प्यार का मतलब कुछ अलग मायने निकल गया है ना। अभी जैसे आप टाउन जाइए, जैसे दिल्ली की बात कर लूँ मैं या गोवा की बात मैं कर लूँ, यदि आप वहाँ पर जाइएगा देखिएगा तो आपको ये फील होगा, क्या फील होगा कि वहाँ पे मतलब मिसयूज, आपको मान के लिए प्यार का झांसा दे के, है ना, लड़की को या फिर लड़का को मतलब प्यार का झांसा दे के आपको ले जाके क्या करेगा, बेच देगा। और हमको ये कभी कभी ये लगता है कि आज का क्लास थोड़ा लंबा चल जाएगा, कभी कभी हमको ये लगता है कि आपको जो पाल पोस के बड़ा की मम्मी पापा, इतना दिन तक आपको पाल पोस के बड़ा की, और बड़ा करने के बाद आपको 17 साल 18 साल 14 साल 15 साल का बना दी, मतलब वो उनका प्यार फीका पड़ गया, और कोई लड़का आया और आपको बोला कि चलो हम तुमको खुश रखेंगे, हम तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे, ये वो फलना चिलना, और तुमको लग जाता है कि इनसे वो ज़्यादा प्यार दे देंगे, कभी नहीं देंगे। मम्मी पापा से ज़्यादा आपको प्यार करने वाले कोई नहीं। बस अच्छा ये बताइए, हमको ये बताइए, कोई काली क्लोट ऐसी लड़की जो दिखने में बहुत ही बकवास, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, वैसे दुनिया में कोई ख़राब नहीं होते दिखने में, लेकिन हम ऐसे एक सपोज बता रहे कि एकदम पूरे काली क्लोट है, ना नाक सही से अच्छा है, ना कान सही से अच्छा है, हाथ ऐसे है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम ये नहीं कह रहे किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, मतलब एक जनरली हम बोले, इसको कोई नेगेटिव में नहीं लीजिएगा, मतलब अपने वर्बली बात कर रहे हैं हम लोग। तो जरा ये बताइए, क्योंकि ये सारा चीज़ हमारे चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा ठीक। हमको ये बताइए कि यदि उस टाइप की कोई लड़की है तो क्या उससे कोई लड़का प्यार करेगा, आप कमेंट कीजिए, क्या उससे कोई प्यार करेगा, नहीं करेगा, तो इंसान का क्या प्रॉब्लम। अभी मैं एक सिंपल सा आपको बताऊं कि अभी शिल्पा शेट्टी को मैं यहाँ लाके खड़ा कर दूं और बोलूं कि
क्या इसे कोई प्यार करना चाहोगे? तो यस सर, यस सर, यस सर, सब कोई करेंगे, हाँ सर, इसे हम क्यों नहीं, क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर है। उसके बाद हम बोले ठीक है, थोड़ा देर बाद आओ। उसके बाद हम क्या किए, शिल्पा शेट्टी का जितना ऊपर का त्वचा था सारा हम उसका त्वचा छिलवा दिए, है ना, उसका त्वचा हटवा दिए, ठीक, ऊपर का सारा। उसके बाद उसको खड़ा कर दिए, देख के भाग जाओगे। तो कहने का मतलब प्यार किससे हो रहा है, प्यार तो हो रहा है इसका मतलब आपके स्किन से, इट्स नॉट हर्टली, है ना, ओनली फॉर क्या, लुकिंग आउट एरियाज, है ना, लुकिंग आउट एरियाज एंड योर बॉडी इज सो अट्रैक्टिव एंड योर फेस सो ब्यूटिफुल, सो आई लव यू, है ना, देन इट्स नॉट लव यू, है ना, बट योर फेस इज सो ब्यूटिफुल एंड वेरी हैंडसम, ओके, वेरी हैंडसम, तो हम कह दिए कि आई लव यू। तो कहने का मतलब क्या है, आज जो प्यार हो रहा है वो पहला फेस देख के, है ना, उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद रिलेशन में आया, रिलेशन में आने के बाद लिविंग रिलेशन को क्या मिल चुका है, मंजूरी मिल चुका है लिविंग रिलेशनशिप में, अब वो दोनों साथ में रहेगा, यदि मम्मी या पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो उस पर केस भी कर देंगे। जरा सोचो कि तुम्हारे मम्मी और पिताजी के गाँव में तुम्हारे भाई का कितना इमेज है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, है ना, कोई भी, और तुम ये सोच, जरा सा सोचो कि तुमको कितने मेहनत से वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किस हिसाब से आपको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, और तुम क्या करते हो, उसको छोड़ के, बहुत सारे लड़की को मैं देखता हूँ कि वो मतलब घर छोड़ के भाग जाती है, और वो कुछ ही किसी का देन नहीं है, वो देन किसका है, फिल्म जगत का देन है, क्योंकि वो फिल्म में देखा है ना कि वो मम्मी पापा को ठुकरा के लड़ जाते हैं ना अपने प्यार के लिए, है ना, और गधावा वाला प्यार, जिसको खुद खाने का उपाय नहीं है तुमको क्या खिलाएगा, ले जाके भाग जाएगा और बाद में ले जाके तुमको बेच देगा। इन सब चीज़ों को यदि देखा जाए कि इनका देन यदि किसी का है, तो ये देन किनका है, फिल्म जगत का देन है। यदि फिल्म नहीं होता तो आज ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती। दैट मीन्स कहने का मतलब, हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियों के, क्योंकि घर छोड़ के वो भाग जाती है, किसी लड़के के साथ भाग जाती है, बहुत सारे लड़के को भी देखते हैं किसी लड़की को भी लेके भाग जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, क्या उनका प्यार, मम्मी पापा का प्यार खराब हो गया, तुमको आज पाल पोस के बड़ा किए, कपड़ा का जरूरत पड़ा कपड़ा मिला, तुमको दवाई का जरूरत मिला दवाई मिला, सारा चीज़ मिला, ए टू जेड मिला, है ना, बहुत सारा चीज़ मिला, तो इन सब का देन है क्या, हमारा फिल्म है, है ना, तो इस चीज़ से क्या करना है, थोड़ा बचना है, ओके, हाँ, ये हमने बोलेंगे कि कुछ मतलब प्यार गलत चीज़ है, प्यार एक एहसास है, प्यार एक क्या है, एहसास है, और वो एहसास हम अपने माँ से फील कर सकते हैं, हम अपने पिताजी से कर सकते हैं, अपने भैया से फील कर सकते हैं, सबसे फील कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किन पे, आप पे करता है। तो ये फिल्म का क्या है, कमियां है बहुत सारा, और कमियां क्या है, एक चीज़ यदि और गौर से हम देख ले तो अमेरिकन फिल्म और इंडियन फिल्म में दो चीज़ का सबसे बड़ा कमियां है। आज जो है इंडियन फिल्म को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको अमेरिकी फिल्म का बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अमेरिकन फिल्म जो होते हैं उसमें मतलब कल्चर का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया का कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कल्चर है ना, उसका पड़तल कोई नहीं कर सकता, है ना। तो यदि हम मान के चलिए कि उनके फिल्म का क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे अमेरिकन फिल्म का, और कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है। अभी जैसे हम बात करें क्रिस 3 का ही बात कर लें, रोबोट का ही बात कर लें, एक्समैन का बात कर लें, और ढेर सारे मूवी है जो कि किनका, जैसे टाइगर शराफ के भी एक मूवी आए थे, है ना, बहुत सारा मूवी आए थे जो कि कॉपी कर रहे हैं, किनका कर रहे हैं, हॉलीवुड का कॉपी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है क्या हमें उनके फिल्म का कॉपी करना चाहिए, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सत्यजीत रे का भी कहना था कि उनका बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि अभी मान के लिए वहाँ की हीरोइन की यदि बात किया जाए तो उनके छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उनके कल्चर कुछ और हैं, है ना, उनमें कुछ ऐसे सीन आते हैं जो कि हम फैमिली के साथ बैठ के उन मूवी को देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी कल्चर में वो चीज़ नहीं है, लेकिन उनके कल्चर में है, उनके कल्चर में वो चीज़ है लेकिन हमारी कल्चर में वो नहीं है। यदि मान के चले देखा जाए तो हम लोग के कल्चर में ये है कि जो नई नई बहू आती है तो वो अपना घूंघट भी मतलब पूरा ऐसे करके कि उनका बदन दिखना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन आज का फिल्म क्या है कि बदन का तो छोड़ो, मतलब लगता है कि शरीर पे कपड़ा ही नहीं है, चाहे वो हीरो है तो अपना पूरा सिक्स पैक दिखाएगा, अरे बाप पूरा। जबकि यदि आप पहले वाले मूवी को देख लीजिए, हीरोइन सब की जो मतलब कपड़ा हुआ करती थी वो यहाँ तक होती थी। अब नेगेटिव नहीं लीजिएगा आप लोग, जो है आपको मैं समझा रहा हूँ, ओके, तो इस सब चीज़ से बचिए, ठीक, यहाँ तक हुआ करता था। आज क्या है, आज तो बिना एटम सॉन्ग का फिल्म ही हिट नहीं होगा, जो बात है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, किनके फिल्म को अपना के, हॉलीवुड को। और एक मेन रीज़न यही है कि इंडिया के जो फिल्म है पूरे देश में इसलिए नहीं चलता है क्योंकि ऑलरेडी वो उनका क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि अभी आपको चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं गिल्लू, तो आप गिल्लू के बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं। यदि कोई टीचर आके आपको गिल्लू के बारे में फिर पढ़ाए
तो आप इंटरेस्टेड नहीं होइएगा, बिकॉज आप क्रिस सर से ऑलरेडी उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं ना, आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा। लेकिन कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे तो आप उसको इंटरेस्ट में लीजिएगा, चलो देखते हैं क्या पढ़ा रहा है, कौन चीज है नया नया सोच के। तो ये सोचना चाहिए इंडिया को। तो इंडिया क्या कर रहा है, उनके कल्चर को खुद कॉपी कर रहा है, तो वो पागलों है जो देखेगा। वो तो सोचता है कि अब यहाँ क्रिस उड़ रहे हैं हवा में, तो उसके पास अपने आयरन मैन है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन, कौन कौन मैन है, ढेरी मैन है, ठीक, अपने हवा में उड़ता है। आप मार्वल स्टूडियो की बात कर लिया जाए तो थॉर हो गया, हल्क हो गया, ढेरी एहन है कि हवा में, कि मतलब एहन एहन अजीब चीज दिखाएगा कि आपको मतलब सोच भी नहीं सकते होंगे कि वो किस टाइप की बात करेगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सारे ढेर सारे क्या है कमियाँ हैं किसमें, मतलब इंडिया के फिल्म को उनका कॉपी करना चाहिए, कर रहा तो उनका कॉपी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ज़माने के जो फिल्म हुआ करते थे, जैसे हम बात करते हैं कि एक संस्था हुआ करता था इप्टाज का, है ना, उसमें जैसे धरती के लाल है ना, संकर्ष, कल्पना, ये सब मूवी बहुत चला था जो पुराने ज़माने के फिल्म थे। लेकिन आज नए फिल्म उतना ज़्यादा नहीं चलते हैं, तो ये सब क्या है, डिफेक्ट्स हैं ये सब चीज़। और अभी हम ये देखा जाए कि सिनेमा में जो है, जो अमेरिकी जो फिल्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मतलब फिल्म में बहुत ही ज़्यादा पॉलिश करते हैं। कौन सा पॉलिश करते हैं, तो टेक्निकल पॉलिश करते हैं वो लोग, मतलब उतना एक्शन नहीं करते लेकिन टेक्निकल उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। और उतना सारा चीज़ किन के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है। तो इंडिया को ये सोचनी चाहिए कि उन्हें अपने कल्चर के फिल्म को दिखानी चाहिए, जो कि लोग पसंद करेगा कि भाई इंडिया का कल्चर क्या है, चलो देखते हैं, फिल्म के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। लेकिन वो चीज़ अभी किया जा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी क्या है कमियां हैं, और भी ढेर सारी कमियां हैं, तो ये चीज़ से बचनी चाहिए। लेकिन यदि म्यूजिक के मामले में देखा जाए तो म्यूजिक के मामले में इंडिया अभी एक नंबर पे है। यदि जैसे म्यूजिक संगीत के बारे में बात किया जाएगा तो इंडिया का कोई पर्तन नहीं कर पाएगा कोई कंट्री नहीं, क्योंकि हॉलीवुड मूवी में तो सॉन्ग है भी नहीं, लेकिन बॉलीवुड का कोई ऐसा मूवी नहीं जिसमें सॉन्ग नहीं। अभी जैसे बात किया जाए AR रहमान का, है ना, AR रहमान का बहुत ही फेमस है, सबसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं कौन, AR रहमान लेते हैं म्यूजिक कंपोज करने का। तो कहीं ना कहीं उसको अपने चीज़ों पे क्या करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ क्या है कमियां हैं, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, आप बहुत सारा है, मतलब वो उससे कोई मतलब नहीं, उस चैप्टर में उसका कोई मतलब ही नहीं है। और बाद बाद जो भी इसमें था मुख्य बात, उन सब चीज़ों पे हम क्या कर लिए, चर्चा कर लिए। और इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला है, मात्र दो ही क्वेश्चन यदि उठेगा तो या तो शॉर्ट फिल्म या तो फीचर फिल्म पूछेगा, और बाद में क्वेश्चन इसमें आने वाले नहीं। और सिनेमा जो है वो कम्बाइंस है किस चीज़ का, आपको बता ही चुके हैं, ड्रामा, साइंस, है ना, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इन सभी का क्या है कम्बिनेशन है। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में कुछ हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा बोल गए होंगे, तो उनको दिल पे नहीं लीजिएगा, लेकिन गहराई से सोचिएगा, ओके। और वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कल के वीडियो में आप ज़्यादा कमेंट्स नहीं किए थे। और बुक पढ़ाने का मेन रीज़न ये हुआ कि प्रिंस सर बोले कि पहले सर एक चैप्टर और बुक पढ़ा दीजिए, फिर आर्टिकल पर जाइएगा, ओके। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ओके, टेक केयर, जय हिंद।